Hello, good morning, India. Monday to Friday, back-to-back classes, live from studio. आज ही subscribe करें Wi-Fi Study Channel को. SSC bank और railway में job पाना गर्व की बात है, पर उसका पहला step है exam को clear करना. और अगर आपको कोई guide करे, shortcut और tricks बताए और motivate करे, तो आपकी सफलता निश्चित है. हमारे कोर्सेज से न सिर्फ आपका सिलेबस कंप्लीट होगा बल्कि स्पीड, एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट भी इम्प्रूव होगी. और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को लेकर कॉन्फिडेंट रहें और ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लाकर अपनी मंजिल हासिल करें. हेलो, गुड. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग. स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में, विच इज अ पार्ट ऑफ एन अनअकैडमी ग्रुप. तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि डेली सुबह 5 बजे अपना एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसके अंदर अपन जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उनको कवर अप करते हैं जो कि आपके करंट अफेयर के होते हैं. तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज मंडे है तो वापस आप सुबह जल्दी जगह होंगे, 4-5 घंटे रेगुलर आपने स्टडी करी होगी. और अगर आप ऐसा करते हैं तो काफ़ी अच्छा स्केड्यूल है जो कि आप बना सकते हैं. ये आपके पूरे लाइफ टाइम के लिए बहुत काम आएगा. आज आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, कल आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं सुबह उठने की अगर आपकी आदत पड़ गई है, तो काफ़ी आपको लाइफ में बेनिफिट देगा. तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में जो कि मैंने आपको कल क्वेश्चन ऑफ द डे के तौर पर दिया था. चलिए, कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था कि भारत के पहले मानवीय रोबोट अधिकारी को किस राज्य के पुलिस ने शामिल किया है. तो दोस्तों, यहां पे कौन सी पुलिस है, वो केरला की पुलिस है. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा. तो पिनाराई विजयानंद जी है, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है ह्यूमनॉइड रोबोट स्टेट पुलिस के अंदर, जो कि क्या करेगा, स्टेट पुलिस के हेडक्वार्टर के अंदर बेसिक इंफॉर्मेशन देगा. ठीक है, आप देख सकते हैं इस तरीके से ये रोबोट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं. किस मंत्रालय ने ग्रीन वुड डीड्स अभियान शुरू किया, ग्रीन वुड डीड्स. आंसर क्या होगा दोस्तों, देखिए ग्रीन वुड से नाम से पता लग रहा है कि एनवायरमेंट का कोई ना कोई मैटर है. तो आंसर क्या हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो ग्रीन वुड आपको ध्यान रखना है. और ग्रीन वुड डीड किसके द्वारा, इनके द्वारा स्टार्ट किया गया है. ठीक है, और आप देख सकते हैं पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 500 से अधिक ग्रीन वुड डीड की एक सूची तैयार की थी और लोगों से कहा था कि वो अपने ग्रीन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए अपने व्यवहार को ग्रीन वुड बिहेवियर में बदले और पेड़ काटना जैसा काम ना करें, पेड़ों को नुकसान ना पहुंचाए और इनको घरों में लगाए. निम्नलिखित में से कौन चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर खिताब 2019 का विजेता है. तो आपको मालूम है दोस्तों, चेन्नई ओपन एटीपी चैलेंजर के बारे में पेपर में पूछते हैं और अभी रिसेंटली हुआ है, उसको कॉरेटिन ने इस टूर्नामेंट को जीता है. ठीक है, एक फ्रेंच टेनिस प्लेयर है, इन्होंने इस टूर्नामेंट को जीता है. निम्नलिखित में से किस टीम ने सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी खिताब 2019 को जीता है, सीनियर नेशनल मैन हॉकी टाइटल किसने जीता है दोस्तों, रेलवे स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड ने जीता है. तो बी आपका यहां पे बिल्कुल सही आंसर होगा. आप देख सकते हैं काफी अच्छी परफॉर्मेंस देखिए, पंजाब को इन्होंने फाइनल के अंदर हराया है. ओके, आगे देखते हैं, ग्वालियर के अंदर इस टूर्नामेंट को करवाया गया. केंद्रीय मंत्री श्रीमती हरसिमरत कौर बादल ने क्रेमिका फूड पार्क का उद्घाटन किया, किस राज्य का पहला फूड पार्क है. तो क्रेमिका के बारे में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है, पहले भी बताया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए वापस रिपीट भी किया है. हिमाचल प्रदेश के अंदर इसको लगाया गया है दोस्तों, और पार्क हिमाचल प्रदेश के ग्राम सिंघा ऊना जिले में स्थित है. 107 करोड़ रुपए की लागत से इसको बनाया गया है और पहला मेगा फूड पार्क है. फूड पार्क में होगा क्या, फूड से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज है, काम है, वो यहां पे करे जाएंगे. निम्नलिखित में से कौन सा देश रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और सबसे बड़ा उपभोक्ता है, लार्जेस्ट, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, पहला तो चाइना है, सेकंड भारत है और सबसे लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है सिल्क का. आपको मालूम है हमारे यहां पे 4 वैरायटीज मिलती है सिल्क की, एक तो मलबरी है, एक टसर है, मूगा है
ओके, और एक और है मलबेरी, टसर, मुगा, एक और है, ओके, तो चार वेराइटीज मिलती है, जिसमें से मलबेरी जो है वो सबसे ज्यादा अपन 70-80% इसी को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस फिल्म ने बाफ्टा 2019 पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जीता? बाफ्टा की बात करें ब्रिटिश अवार्ड से, और रोमा मूवी ने यहाँ पे अवार्ड जीता है, तो बी आपका यहाँ पे बिल्कुल रोमा आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। 7 पुरस्कारों को जीता है इस अवार्ड ने, सबसे फिल्म है, और जबकि रामी बालेक ने बोहेमियन रैप्सोडी ने फ्रेंडी मरकरी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। तो आपको जो ध्यान रखना है वो तो सिर्फ और सिर्फ रीमा का ध्यान रखना है, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। एक्सरसाइज कटलेस एक्सप्रेस में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व किया गया है? कटलेस एक्सप्रेस कटलास है, कटलास एक्सप्रेस है, ये एक्सरसाइज करवाई गई थी दोस्तों, और भारत की तरफ से जो है यहाँ पे किसने पार्टिसिपेट किया है? INS ओके त्रिकिंद है जिसने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। तो आपका आंसर क्या होगा? ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, तो ये बात ध्यान रखिएगा, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनुअल एक ये क्या है, नेवल एक्सरसाइज है बेसिकली है, जो कि अभी फरवरी के अंदर ही कराई गई है, और ये वेस्टर्न इंडियन ओशन वाला जो एरिया है वहां पे इसको करवाया जाता है। यूएस अफ्रीका कमांड ने इसको कंडक्ट किया, करवाया था। ओके, चलिए आगे की तरफ देखते हैं। कई सारे देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, जैसे कनाडा है, डिजुबति है, फ्रांस, इंडिया, केनिया, मॉरिशस, सेशेल्स, नीदरलैंड, यूएस, तो कई सारे देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है, ये देख सकते हैं आप। प्रथम विश्व दलहन दिवस हाल ही में किस डेट को मनाया गया? वर्ल्ड पल्सेस डे की बात करें, इंपॉर्टेंट सवाल है, 10 फरवरी को दोस्तों इसको मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं दालों का जश्न मनाने 2016 के अंतरराष्ट्रीय साल के किए गए महत्वपूर्ण लाभ को जारी रखने के लिए इसे बनाया गया है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। अगला सवाल है, स्वर्ण लंगूर संरक्षण प्रजनन कार्यक्रम किस राज्य द्वारा लागू किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ सकता है, और इसीलिए इसको मैं आपको वापस से बता रहा हूँ। स्वर्ण लंगूर ये कहाँ पे, आसाम के अंदर इसको शुरुआत करी गई है, तो ये आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट है, DRDO ने दूसरी स्वदेशी रूप में से विकसित सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमसेट प्रोपल्शन बेस्ड मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया, भारत और किस देश के द्वारा इसको बनाया जा रहा है? SFDR आपको ध्यान रखना है, सॉलिड फ्यूल डिटेक्टेड रैमजेट, ये भारत और रशिया के द्वारा जो है इसको बनाया जा रहा है, तो आपका डी यहां पे बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। भारतीय वायुसेना द्वारा आदेशित 15 चिनूक भारी लिफ्ट हेलीकॉप्टर में से पहला किस बंदरगाह पे प्राप्त हुआ है? तो चिनूक अपन ने यूएसए से लिया है, और ये कौन से बंदरगाह पे आया है ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका क्वेश्चन ऑफ द डे, और उम्मीद है आप इसका बिल्कुल सही आंसर करेंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, 8 बजे वाले क्लास में ज्वाइन करिएगा, काफी कुछ है जो कि अपन डिस्कस करेंगे, 2 दिन का न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे, सैटरडे का, संडे का और मंडे का। ठीक है, तो 8 बजे मिलते हैं वापस से क्लास में। थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।